उत्तर प्रदेश में गोंडा जिला प्रशासन ने 18 जुलाई को हुए डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटना के पीड़ितों के मददगारों को सम्मानित किया है। देवी पाटन मंडल मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने बताया कि 18 जुलाई को यहां ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें पुलिस के आने से पहले ही ग्राम निवासियों ने ट्रेन में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने, प्राथमिक चिकित्सा, उनके सामान की सुरक्षा करने में बहुत मदद की और एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज हमने ऐसे 56 लोगों को सम्मानित किया है और 1100 रुपए की सांकेतिक धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनका आभार व्यक्त किया है। पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारीगण, उनको नेचुरली आने में थोड़ा सा समय लगता है। उनके आने के पूर्व ही वे इस ग्राम के वासी थे, उसमें छोटे बच्चे भी सम्मिलित थे। इन्होंने जो घायल व्यक्ति थे, अन्य व्यक्ति थे, इनको कोचेज से निकालने में, उनको पानी पिलाने में, उनको भोजन कराने में, घायलों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देने में और उनको सही रूप से व्यवस्थित करने में, उनके सामान की सुरक्षा करने में बहुत अच्छा योगदान दिया था और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे जन सहयोग के माध्यम से हम लोग हादसे के समय हादसे के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस प्रकार के 56 लोगों को हम लोगों ने आज सम्मानित किया है। 1100 रुपये की एक सांकेतिक धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर, इसमें छोटे बच्चे भी, जैसे 12-13 साल के बच्चे और बच्चियां भी सम्मिलित हैं, उन सबको आभार के रूप में, आभार व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने सम्मानित किया है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से इन बच्चों ने योगदान दिया है, उससे हम लोग आशा कर सकते हैं कि वास्तव में हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल है।